हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को दिखाएंगे मूर्ति में लाइटिंग कैसे किया जाता है, चमक कलर कैसे बनाया जाता है और शिव कलर का कैसे घोला जाता है, घोलने का तरीका सिखाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहेंगे कि दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों हमने 100 ग्राम साबूदाना को लिया है, बड़ा सा बर्तन में निकाल लेंगे इसको। उसके बाद में हम लोग 1.5 लीटर पानी है, 1.5 लीटर पानी 100 ग्राम साबूदाना में डाल देंगे। इसके बाद में हम लोग आग पर बैठा देंगे। चलिए दोस्तों इसको फटाफट से उबाल लेते हैं, आप सभी को दिखाते हैं इसको कैसे उबाला जाता है। उबालने का टाइम साबूदाना को चलाते रहना है इस प्रकार से, ताकि उस जो साबूदाना है वो अंदर में बैठ ना जाए, और थोड़ा सा टच करके उसको छू के देख लीजिए उसका पानी को। साबूदाना हमारा तैयार हो गया, इसका साबूदाना का पानी हमको लगता है तैयार हो गया। इसको आप निकाल लेंगे, निकाल के इसको ठंडा होने के लिए हम लोग बड़ा सा जगह में पानी नीचे में रख के इस गमले को रख देंगे पानी के ऊपर में। उसके बाद में हम लोग गमला में लेके कपड़े का हेल्प से इसको छान लेंगे। इस तरह से हम लोग इसे छान लेंगे कपड़ा के हेल्प से। इस तरह छाना गया हम लोग का, एक साइड हो गया साबूदाना और एक साइड साबूदाने का पानी हो गया है। ये कलर घोलने का काम में आएगा। तो चलिए इसको हम लोग अपना वर्कशॉप पे ले जाएंगे डाल के। तो दोस्तों हम लोग का साबूदाना का पानी तैयार हो गया है, अब आपको घोल के दिखाएंगे। ये है शिव कलर, आप लोग देखिए किस प्रकार का होता है शिव कलर, किस तरह का होता है। ये पाउडर टाइप में होता है। दोस्तों हम मेरा पहले से थोड़ा सा घोला हुआ था, इसमें हम थोड़ा सा आप लोगों को घोल के दिखाने वाले हैं। थोड़ा सा ले लेते हैं, ज़्यादा लेंगे तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा लाइटिंग आ जाएगा, तो बहुत ज़्यादा हमको लाइटिंग नहीं करना है, थोड़ा सा लाइटिंग करना है। तो थोड़ा सा हम ले लेंगे इसमें और आप सभी को घोल के दिखाएंगे किस प्रकार से घोला जाता है। और जो हमने साबूदाना का जो पानी बनाया था वो पानी इसमें डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे इस प्रकार से। मेरा जो भी मात्रा है आप अपना मात्रा में ले लें। इस तरह से लेने के बाद में इसको मिला लीजिए अच्छे से, बढ़िया से अच्छे से मिला लीजिए, पूरा मिल जाएगा, पूरा बढ़िया से मिला लीजिए। इस तरह से मिला लीजिए, देखिए मेरा तैयार हो गया है। अब इसमें निकाल लेंगे हम। दोस्तों ये व्हाइट शिव कलर है, आप सभी को मैंने बहुत ही आसान तरीके से घोल के दिखाया हूँ। दोस्तों आप सभी को अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारा चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी दोस्तों।